कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत जिसकी असली सच्चाई को कोई नहीं जान पाया। एक ऐसा पर्वत जिसका वर्णन हर धर्म में अलग अलग नाम से लिया जाता है। एक ऐसा पर्वत जो शायद हमारे भविष्य को बदल सकता है। कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत चीन में स्थित है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6638 मीटर है। इसने इतिहास में भी वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा था, लेकिन अब इस पर चल रहे शोध में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे हम कैलाश पर्वत से अपना भविष्य बदल सकते हैं। दरअसल कैलाश पर्वत पर मॉडर्न रिसर्च शुरू हुई साल 1926 से, जब इस पर चढ़कर रिसर्च की बातें शुरू हुई। लेकिन इसका उत्तरी भाग पूरी तरह से सपाट होने के कारण इस पर चढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन दक्षिणी भाग पर पहुंचने पर उन्हें वो भी उत्तरी भाग की तरह ही सपाट नजर आया। ये पर्वत एक ऐसा दिशा भ्रम पैदा कर रहा था कि वो दूसरे दिन भी उत्तरी भाग पर ही खड़े थे, जबकि कुछ ही दिनों में उन्होंने इस पर्वत में से रेडिएशन का उच्च स्तर महसूस किया जो उनके नाखून और बालों को बड़ी ही तेजी से बढ़ा रहा था। लेकिन वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उन्हें मानसिक भ्रम भी पैदा हो रहे थे जो कि सिर्फ रेडिएशन से नहीं हो सकता था। तो ये कैसी एनर्जी थी जो इस पर चढ़ने वालों की मानसिकता ही बदल रही थी। कुछ ही दिनों में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि वो उसी जगह पर खड़े थे जहां पर चढ़ना शुरू किया था। इसके बाद से ही सब वहां से वापस आ गए, क्योंकि ये पर्वत एक तरह से उनके दिमाग से खेल रहा था। ह्यूज रटलेज और कर्नल आरसी विल्सन ने दोबारा कभी इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, जबकि इसके बाद कई और प्रोफेशनल पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिशें की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या है जो किसी को भी इसके शिखर पर पहुंचने से रोकता है? साल 2010 अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब कैलाश पर्वत पर रेडिएशन टेस्ट किया तो यही पता चला कि इस पर्वत के केंद्र से इसका प्रवाह हो रहा था, यानी इसके केंद्र में रेडियो एक्टिव तत्वों का भंडार हो सकता है। लेकिन इसके प्रवाह का स्तर कुछ अलग था, तो हो सकता है इसके अंदर ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व हों जो अभी तक धरती के किसी भी हिस्से में खोजे भी नहीं जा पाए हों। बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू कहा जाता है। इसी पर्वत के शिखर से मोक्ष का रास्ता प्राप्त होता है, लेकिन इस पर चढ़ने के लिए ज्ञान और ध्यान दोनों की जरूरत पड़ती है। हिंदू धर्म में भी कैलाश पर्वत को शिव का निवास स्थान कहा जाता है, और पुराणों में कैलाश पर्वत के जरिए ही देवताओं की दुनिया में जाने का रास्ता बताया गया है। तो क्या कैलाश पर्वत में एक ऐसी तकनीक छिपी है जो हमारा भविष्य बदल सकती है? जिनेवा, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड बॉर्डर, वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मशीन बनाई, यानी लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर, जिससे कई नई खोजें हुई। इसी से वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन की एग्जिस्टेंस का पता लगाया। इससे वो स्पेस और टाइम को और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। लेकिन इसे बड़े स्तर पर करने के लिए हमें बहुत ही विशाल एनर्जी सोर्स की जरूरत है। वहीं कैलाश पर्वत के लाखों सालों से ऐसी रेडिएशन छोड़ना वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा है। पुरातत्व वैज्ञानिकों की माने तो इतिहास में ऐसी तकनीक मौजूद रही होगी जिससे यहाँ पर दूसरे आयाम या समय में जाया गया होगा, जैसा प्राचीन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। तो क्या अब भी वो तकनीक इसी पर्वत में छिपी हुई है? इसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो सच है कि अगर ये सब सच साबित होता है तो हमारा भविष्य जल्द ही एक नया मोड़ लेने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते